नमस्कार। आज की क्लास में हम भारत से संबंधित अंतिम सीमा जो बिंदु हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। अंतिम सीमा बिंदु का मतलब है दक्षिणतम बिंदु कौन सा, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है, और मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है वो कहाँ है और कौन से अक्षांश पर है, कहाँ है, इनको लेकर के बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ में आज हम बात करेंगे मुख्य जो चैनल या जल डमरू मध्य हैं उनको लेकर के कि किसके द्वारा कौन विभाजित होता है, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में अगला जो अपना क्वेश्चन रहेगा वो मुख्य रूप से रहेगा कि भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है या क्षेत्रीय जो सागर है वो आधार रेखा से कितनी दूरी तक है। इसके बाद में जो अन्य जो आर्थिक क्षेत्र है भारत का वो कितना दूरी पर है और उसमें क्या कर सकते हैं, तो इन्हीं बातों को लेकर के आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें, बात कर लेते हैं कि अगर भारत का या देश का जो अंतिम दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो वो क्या नाम से जाना जाता है और कौन सा है और कहाँ उसकी स्थिति है और उसे किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो बात कर लेते हैं अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो आपका द्वीप समूह है तो ये ग्रेट निकोबार यहाँ ग्रेट निकोबार में जो स्थित है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री चैनल है, कितने डिग्री अक्षांश पर है? ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो दक्षिणतम जो बिंदु है भारत का या दक्षिणतम बिंदु जो भारत का जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में स्थित है जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका अगर दूसरा नाम बात देखते हैं तो इसको पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं। इसे ही क्या? पार्सन्स पॉइंट भी इसे ही कहते हैं। अगर इसका इसकी जगह ये नाम आता है तो भी सही है। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है पाइग मेलियन पॉइंट। अब ये अगर इंदिरा पॉइंट की जगह आपको पर्सन आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट नाम नहीं आ रहा, अगर इन दोनों में से नाम आ रहे हैं तो ये भी सही है क्योंकि इंदिरा पॉइंट को ही इन नामों से भी पुकारा जाता है। ये पूछ ले कि दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप में स्थित है तो ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन से अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। ये ध्यान रखिएगा उत्तरी अक्षांश पर, क्योंकि इसको थोड़ा सा ही फेरबदल कर दे। कैसे कर दे? 6 डिग्री 4 मिनट तो सही लिखेगा लेकिन वो लिख दे दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर और उत्तरी। तो आपको यहां 10% में यही चीजें आपको देखनी होंगी क्योंकि बाकी डेटा तो सही देगा लेकिन यहाँ आपको दिशा में बदलाव कर देगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को, क्योंकि बहुत सीधे प्रश्न होते हैं और गलतियां कर देते हैं। चलिए अब उत्तरतम बिंदु की बात करते हैं तो जिसका नाम क्या है? इंदिरा काल। क्या नाम है? इंदिरा काल। इंदिरा काल। अब इसके लिए देखिए जो कहा जाता है, जो स्थिति इसकी बताई जाती है वो बताई जाती है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तो उसके बाद में ये लद्दाख में भी पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो बुक में है वो जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है कि पश्चिम में कौन सा बिंदु है? पश्चिमी सीमा
पर कौन सा बिंदु स्थित है, या भारत की पश्चिमी अंतिम सीमा जो है वो कहाँ है, कहाँ तक है? तो वहां का जो स्थान है वो कौन सा है? वो है गौर मोता। कौन सा है? गौर मोता उसका नाम है, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ये पश्चिम का। और सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? ये तो था पश्चिमोत्तम बिंदु, और पूर्वोत्तम बिंदु कहाँ है और क्या नाम है और किस राज्य में है? तो पूर्वोत्तम बिंदु की अगर आप बात करोगे तो उसका नाम है की बी थू। क्या नाम है? की बी थू। कौन से राज्य में है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस में है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये जो भारत के चार जो अंतिम सीमा जो बिंदु थे वो आपके सामने हैं, ठीक है? इन पे आपको ध्यान रखना, इनमें से कहीं भी प्रश्न कुटप हो सकता है, पूछ लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि एक मुख्य भूमि की, दक्षिणतम बिंदु की तो हमने बात कर ली थी, ग्रेट निकोबार। अब एक बात करते हैं कि मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा किस अक्षांश से निर्धारित होती है? तो मुख्य भूमि की अगर बात करोगे तो ये है इसकी मुख्य भूमि, भारत की। कौन सी है? भारत की जो है मुख्य भूमि, ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? तो ये 8 डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये मुख्य भूमि की बात आती है। कहाँ है कन्याकुमारी? कहाँ है कन्याकुमारी? राज्य कौन सा है? राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिल तो यहाँ मुख्य भूमि की जो सीमा है वो निर्धारित होती है मुख्य भूमि की 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब हम बात करेंगे प्रमुख चैनल या जल डमरू जो मध्य हैं, जिनके द्वारा कुछ भाग अलग होते हैं, तो उनके नामों को हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं अभी। तो पहला है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, यानी कि इंदिरा पॉइंट जो है वो इंडोनेशिया से किसके द्वारा अलग होता है? तो यहाँ आप देखोगे तो ये आपका ग्रेट निकोबार है, यहाँ आपका इंदिरा पॉइंट है और यहाँ इंडोनेशिया वाला क्षेत्र आता है। तो ये दोनों किससे अलग होते हैं? किससे अलग होते हैं? तो ये होते हैं किससे? ग्रेट चैनल से। किससे? ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होते हैं। कौन कौन? आपका ग्रेट इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। चलिए दूसरा जो है लघु अंडमान कार निकोबार, यानी लघु अंडमान और कार निकोबार किसके द्वारा अलग होते हैं? तो लघु अंडमान कार निकोबार ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अब आपसे पूछ लिया जाएगा 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों भाग अलग होते हैं, ठीक है? लेकिन आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए क्या कि निम्न में से 10 डिग्री चैनल द्वारा कौन से भाग, कौन से क्षेत्र अलग होते हैं, कौन से स्थलखंड जो है वो अलग होते हैं? किसके द्वारा? 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तब आपको लघु अंडमान कार निकोबार को आपको ध्यान में रखना होगा। और इधर से घूमता है प्रश्न कि लघु अंडमान कार निकोबार जो स्थलखंड है वो किससे अलग होते हैं? तब आपको ऑप्शन में 10 डिग्री चैनल को ध्यान रखना होगा। ये ऐसा ही यहाँ है कि ग्रेट निकोबार, इसमें जो इंदिरा पॉइंट और आपका इंडोनेशिया जो है
ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होते हैं। और ये पूछ लिया जाए कि ग्रेट चैनल के द्वारा निम्न में से कौन से भाग अलग होते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना होगा इंदिरा पॉइंट और आपका जो इंडोनेशिया है ये अलग होते हैं। तो इस प्रकार से बस यही पर्सन इस पे एक दो पर्सन रिवर्स होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कैसे भी इनको पूछ लिया जाए तो दोनों तरफ से आप लोगों को इनको याद रखना है। इसके बाद में आता है कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इस साइड में है आपके मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये किसके द्वारा अलग होते हैं? मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो है किसके द्वारा, कौन से खाड़ी के द्वारा, स्ट्रेट के द्वारा, दंडमुरु के द्वारा किससे अलग होते हैं? तो ये होते हैं नो डिग्री अक्षांश चैनल के माध्यम से ये अलग होते हैं, मिनिकॉय लक्षद्वीप। तो यहाँ प्रश्न की जैसे हम बात कर रहे हैं कि 9 डिग्री चैनल देते हैं इसके द्वारा कौन से स्थल भाग अलग होते हैं, तब आपको इन मिनिकॉय लक्षद्वीप पे ध्यान रखना होगा। और मिनिकॉय लक्षद्वीप किसके द्वारा अलग होते हैं, तो 9 डिग्री चैनल आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद में मालदीव मिनिकॉय, यानी कि मालदीव मिनिकॉय ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये किसके द्वारा, यानी कि कौन से स्ट्रेट के द्वारा, कौन सी खाड़ी के द्वारा, किसके द्वारा अलग होते हैं, कौन से जल डमरू के मध्य स्थित हैं? तो ये सारी चीजें यहाँ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। मालदीव मिनिकॉय ये होते हैं 8 डिग्री चैनल के द्वारा, किसके द्वारा, 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। जबकि भारत और श्रीलंका तो ये भारत और ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये मन्नार की जो खाड़ी है, यहाँ मन्नार किसके द्वारा, मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं या विभाजित होते हैं। तो ये तो बात थी संबंधित आपको कि एक तो अंतिम बिंदु कौन से हैं भारत के, तो दूसरी बात थी कि मुख्य जो विभाजित स्थलखंड है और वो किनके द्वारा अलग होते हैं उन पे बात की। अब एक प्रश्न है कि ये कई बार पूछा जाता है कि भारत की जो प्रादेशिक, यानी कि आप भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा की जब बात करोगे या क्षेत्रीय जो सागर है आधार रेखा से, यानी कि यहाँ आप इनके सारे सारे का आधार रेखा तट रेखा बनाओगे, टेढ़ी मेढ़ी होती है, काल्पनिक होती है, तो यहाँ की भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से कितने मील की दूरी पर है? तो यह इस आधार रेखा से 12 मील की दूरी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितनी दूरी तक है, तो ये 12 जो मील है, 12 समुद्री मील जो है, ये समुद्री मील है, ध्यान रखना। थोड़ा सा अंतर आता है इनमें, तो इनको बस आप वही चीजें ध्यान में रखिए जो वास्तव में लिखी हुई है। तो यहाँ 12 समुद्री मील तक दूरी तक ये जो समुद्री सीमा वो हमें मिलती है। इसके बाद में एक और इस पे प्रश्न आता है, इससे थोड़ा सा आगे निकलना होगा, और उसमें पूछा जाता है कि देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र समुद्र में कितनी दूरी तक है भारत का, समुद्र में कितनी दूरी तक है भारत का? तो ये जो आर्थिक क्षेत्र है ये आधार रेखा से, ये जो आधार रेखा है इससे 200 मील तक है, कितना है, 200 समुद्री मील तक है। अब 200 समुद्री मील तक है तो इसमें भारत क्या कर सकता है? इसमें भारत को जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान करने के लिए क्षेत्र मिल सकता है, नए द्वीपों के निर्माण के लिए क्षेत्र मिल सकता है,
प्राकृतिक जो संसाधन है उनको उनका दोहन करने के लिए इस क्षेत्र तक छूट मिल सकती है। तो अब आपको इसको रिवर्स करना होगा कि भारत को कितने समुद्री मील तक भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट है, तो कितनी आएगी? 200 समुद्री मील। और इसके साथ साथ में ये जोड़ दे, क्योंकि देश का अन्य आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये आपसे पूछ ले कि भारत जो है कितने समुद्री मील तक संसाधनों का दोहन कर सकता है, तो कहाँ तक कर सकता है? 200 समुद्री मील तक। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।